नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। G20 कॉन्फ्रेंस को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जंडियाला गुरु के सर्कुलर रोड पर लुटेरों ने टूर एंड ट्रेवल कार्यालय को बनाया निशाना। 2.5 लाख की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के बस्ती बावा खेल में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हुए दो पक्ष आपस में भिड़े। एक दुकान में जमकर की तोड़फोड़। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरु नगरी अमृतसर में पहुंचे और सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इटियो भी मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि आने वाले मार्च महीने में अमृतसर में G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रपति भाग लेंगे। इसकी तैयारियों संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मिनी सचिवालय के मीटिंग हॉल में मीटिंग की। इस संबंधी आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए एक विशेष मीटिंग की गई है, जिसमें G20 मीटिंग में पहुंच रहे अलग अलग देशों के डेलीगेट्स जो कि अमृतसर पहुंचेंगे, उन्हें श्री हरिमंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग आदि स्थानों के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी मेजबानी के लिए जाना जाता है और वे इस मेजबानी के लिए तैयार हैं। तो वहीं जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मुलाकात के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में भाईचारा व एकता कैसे बढ़ सकती है, इस बारे में उनके साथ विचार विमर्श किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु शहर में लूटपाट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके चलते जंडियाला गुरु में भीड़भाड़ वाले इलाके सर्कुलर रोड नगर कौंसिल कार्यालय के सामने स्थित धामी टूर एंड ट्रैवल के कार्यालय से लुटेरे लगभग 2.5 लाख रुपए की नकदी लूट फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यालय के मालिक करणजीत सिंह ने बताया कि लगभग रात्रि 8:30 बजे वे अपने कार्यालय को बंद करने की तैयारी में थे। इस दौरान बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवान अंदर दाखिल हुए और पिस्तौल की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने पिस्तौल से फायरिंग भी की। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही DSP जंडियाला गुरु कुलदीप सिंह, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, जल्द ही लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर में पुलिस व PCR कर्मचारियों की गश्त को बढ़ाया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। दो जने अंदर आए हैं, बुलेट स्टैंडर्ड सी ब्लैक कलर का, थे बस असी दो जने ही सी जी अंदर। उन्होंने आके दो मेरे ते उन्हें गन तान लिया, थे मैंने कहता भी जो हैगा वा वो कट दे कैश। मैं ऑलरेडी कैश सामदा पिया सीगा, है ही नहीं है जी, कुछ नहीं हैगा, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई PCR नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी चौंक च कोई बंदा नहीं है, कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं है। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ? 2 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 2 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, 2 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖੋਲ ਹਾਂ ਵੈਪਨ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। जालंधर में दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी व लूट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में चुन्ना भट्टी रोड न्यू कबीर मंदिर के बाहर उस समय देखने को मिला जब दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हुए दो पक्ष आपस में लड़ पड़े। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ लोग एक दुकान में घुस गए, जिस कारण दुकानदार ने डर के मारे उक्त लोगों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष दुकान में ही झगड़ पड़े, जिस कारण दुकानदार का काफी नुकसान भी हो गया है।
इस दौरान एक दोपहिया वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। मामला तो यह था कि बाहर कोई मुंडे आपस में लड़ रहे थे, तो एक अपना बचा कर ले अंदर भज गया, तो उसके मगर ही दूसरे मुंडे भी भज गए, नाल उन्होंने कुटिया, उनके नाल दुकान का सारा सामान भी बंद हो गया। अब दुकान किसे भाई अपने की है? ए भाई अपनी बैंक की है, बस्ती बाबा के कबीर में है। शुभ नाम की, शुभ का नाम है माचरार की दुकान दे बाहर कुछ व्यक्ति लड़ते थे आपस में, उन्होंने एक अपने बचा ली दुकान के अंदर जा पड़िया, उत्थे भी उन्हें भन तोड़ की मुड़ के खिसक गए उ दो मोटरसाइकिल एक्टिवा लैन दी। बॉलीवुड अदाकारा और किसान संघर्ष में नौजवानों को प्रेरित करने वाले एवं पंजाब के हकों की बात करने वाले दीप सिद्धू चाहे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दीप सिद्धू की बातें आज भी पंजाब के नौजवानों के दिलों में आज भी जिंदा है। दीप सिद्धू के बड़े भाई मनदीप सिंह सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की और दीप सिद्धू की तस्वीर सिख केंद्रीय अजायब घर में लगाने की अपील की, जिस पर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे और अगर हो सका तो दीप सिद्धू की तस्वीर जरूर केंद्रीय सिख अजायब घर में लगाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज इतने दरबार साहब मत्था टेकन आए सी जी, सारे सिंघा नाल इकट्ठे होके ते सिंह साहब नू मिलन दा ए कारण सीगा भी भाई दीप दी फोटो जो कि इतने सिख म्यूजियम चलवाउन दा उन्होंने असी रिक्वेस्ट करके आए हैं, तो उन्होंने भी सानू आश्वासन दवाया भी इतने असी विचार करांगे, तो उम्मीद भी करते हैं भी बहुत जल्द भाई दीप की फोटो उत्थे सिख म्यूजियम च प्लेस आउन हो जूगी जी। देखो जेड़ा भी हुण कोई काम सिख कौम दे प्रति कर रहा है वो बहुत वधिया काम आ, भी अपने धर्म नाल जोड़े जा रहे है, वो जो भी कोई कर रहा है बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे है सारे, तो जेड़ा भी कोई अगे भी इस काम नू करूगा वो सलाघा जो काम आ ते असी उसकी हमायत कर दे। बास्केटबॉल की स्टेट लेवल खेलों में जालंधर की अंडर 17 और अंडर 14 की टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिस पर खुशी जताते हुए जिला जालंधर के खेल अधिकारी प्रभजोत सिंह ने कहा कि 20 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसमें जालंधर को बास्केटबॉल खेल में एक बड़ा सम्मान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि बास्केटबॉल की अंडर 17 और अंडर 14 की टीमें गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, जिन्हें लगभग पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत करवाई जा रही थी जिसका नतीजा बहुत बढ़िया मिला है। जहां उन्होंने बच्चों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी, वहीं उन्होंने आने वाले खेलों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साढ़े सारे बच्चे जालंधर का अंडर 14 और अंडर 17 चो खेडा पदन पंजाब दियां विचों गोल्ड मैडल आया आ, और ये मैडल 20 साल बाद जलंधर का किसी स्टेट गेम्स चो गोल्ड मैडल आया आ, और साढ़े बच्चे अंडर 14 वाले ने फाइनल मैच के भी बहुत वधिया परफॉर्मेंस दी आ, और इन्हें लुधियाने जिते लुधियाने टूरनामेंट हो रहा है उन्होंने बीट किया आ, और पहला मैच फुल टाइम तो बराबर रहा और एक्सट्रा टाइम तो इन्होंने एक गोल तेरा आया, और अंडर 17 की टीम साड़ी जी और भी बहुत वधिया खेडी आ, उन्होंने क्वार्टर फाइनल फरीदकोट नूं, सैमीफाइनल फतेहगढ़ साहब नूं, और फाइनल दे विच पटियाले नूं हरा के एक गोल ते, जिथे पटियाले मतलब बहुत अगड़ियां सहूलतां और साई दे कोच आ उन्हां नूं हरा के और गोल्ड मैडल जितया, और असीं इन्हां नूं ये पिछले 3 साल तो असीं इन्हां नूं प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं लखविंदर सिंह नाम मेरा हैंडबॉल कोच, ठीक है। पहला मैच अपना मोहाली ना ही जिहदे विच आपां बहुत वधिया बच्चे खेडे आ, उह आपां 15 स्कोरां नाल जितते आ जी, उस तो बाद अपना मैच हैगा जी कपूरथले ना जी, वो तो आप वन साइड ही जितते मैच ही छड़ गए जी, उस तो बाद अपना मैच हैगा जी क्वार्टर जी रोपड़ रोपड़ ना जी, वो भी अपने बच्चे बहुत वधिया खेडे, उस तो बाद अपना मैच हैगा जी सैमीफाइनल जी फतेहगढ़ साहब ना, बहुत ज़्यादा टफ मैच ही, बहुत ज़्यादा जिन्होंने कह सकते, तो
ਆਪਾਂ 5 ਸਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਨਐਸ ਦੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਜੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਕੋਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਧਨਤੇਰਸ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਮੀਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ वहीं इस रोजगार मेले की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75,000 नव नियुक्त युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे तो वहीं इस रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफर लेटर पाने वाले नव नियुक्त युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि सरकारी नौकरी कोई सेवा नहीं है बल्कि पूरी तैयारी और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करने और देश के लिए काम करने का अवसर है जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ चिर पहला लोगों का वायदा किया सी एक साल से अभी 10 लाख नौकरियां देवे उस सिलसिले की कड़ी में पहला अज रोजगार मेला वक् वक् स्थानों के 50 स्थानों से लाया और 75,000 नौकरी जी दिखती जा रही है युवा कि वह अपना योगदान पा सकन देश की तरक्की खुशहाली और मैं खुशी है कि अज कपूरथला विखे RCF फैक्ट्री से जरा अज प्रोग्राम होया बहुत अच्छा होया और बच्चों जो रोज़गार के नियुक्ति पत्र उन्होंने दिए गए हैं और बहुत जल्दी अगली भी किश्त शुरू की जाएगी और 10 लाख नौकरियों का जो वायदा से किया वो जिवें प्रधानमंत्री ने कहा कि असी स्टार्टअप की बड़ी स्कीम जी इंडस्ट्री डिवेलपमेंट वालों चलती है वो 80,000 तो वह स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं PLI स्कीम के अधीन बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ावा देने और ताकि इंपोर्ट असी घट करिए इतने प्रोड्यूस वध हो इस सिलसिले में ध्यान रखते हैं PLI स्कीम शुरू की गई है और बहुत यदा फायदा देश में हो रहा देश दुनिया सब तो तेजी का विकास करने वाला देश बनया और बहुत ज़्यादा जी इन्वेस्टमेंट लोग बाहरों इतने हो रही है और आने वाले कुछ समय देश दुनिया विकसित देशों शामिल होने लिए असी 2047 की गल करते हैं 2047 तक देश दुनिया का सब तो ताकतवर देश होएगा और सब तो विकसित देश होएगा विश्व गुरु होएगा ऐसी कामना से करते हैं फुटी स्किल फुटबॉल अकादमी जालंधर की ओर से पहला FSFA फुटबॉल नाइट टूर्नामेंट का आयोजन दोआबा कॉलेज की ग्राउंड में किया गया जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी एवं भाजपा के पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया की ओर से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया गया इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने बताया कि यह ओपन ऑल कैटेगरी और अंडर 14 बच्चों के लिए पहला फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जिसमें विजेता रही टीमों को नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया जाएगा इस मौके पर सभी खेल प्रेमी भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट फुटबॉल स्किल एकेडमिक वालों 4 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है पुरानी कहावत थी कि भी खेलोगे कूदोगे होंगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब लेकिन हूँ उलट गया हूँ नवाब पढ़ लिखने भी बनते हैं उन्होंने ज़्यादा खेडन भी बनते उस नाते पैसा भी जोड़ा है उन्होंने इंटरनेशनल गेम जिनी उस पैसा बहुत सो इसलिए जोड़ा है कि भी ये जो असी खेलते हैं तो असी खेल भावना जी पैदा होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो सिर्फ ग्राउंड से नहीं पूरी जिंदगी पिछा करती जो तो व्यक्ति कंपीटिशन लड़ता है तो कोई बंदा अगे निकल जाता कोई पिछे रह जाता तो फिर वो खेल भावना जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो हमेशा ही जी है उसमें कायम रखती है कि जीवन में अगे रखी तो बहुत अच्छा है उपराला अज फुटी स्किन फुटबॉल अकैडमी वालों जो फुटबॉल के मैच दुआबा कॉलेज की ग्राउंड कराए जा रहे तो बड़ा ही वधिया ते सराहनिया कार्य है क्योंकि अज के नौजवानों नूं जे असी चंगी लीह ते लिआना है तो सानू स्पोर्ट्स वाले पासे उन्हूं लाना ही पऊगा तो ये क्लब जिन्होंने नौजवानों नूं फुटबॉल की टीम के शामिल करके चंगी लीह ते लै के आंदा है मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा दीपावली के पावन त्यौहार के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अपने अभियान अंतर्दृष्टि के तहत सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में नेत्रहीन लोगों द्वारा तैयार किए गए स्पेशल कैंडल्स के स्टॉल लगाए गए इस मौके पर संस्थान के स्वामी सज्जदानंद जी महाराज ने कहा कि दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आता है
तो वहीं यह त्यौहार नेत्रहीन लोगों की जिंदगी में भी उजाला लेकर आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्दृष्टि अभियान के तहत उनके संस्थान की ओर से नेत्रहीन लोगों द्वारा तैयार किए गए स्पेशल मोमबत्तियों के स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर इसकी खरीदारी कर इनके जीवन में भी खुशियां भरें। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वामी सज्जनानंद है जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। गुरुदेव की प्रेरणा से संस्थान द्वारा बहुत सारे आध्यात्मिक सामाजिक प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रकल्प है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि एक ऐसा प्रकल्प है जिसके भीतर हमने जो नेत्रहीन वर्ग है और जो दिव्यांग वर्ग है, उनको कारखाने लगा कर दिए गए हैं और उन कारखानों में उनको कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसमें वह क्या करते हैं, वह सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनाते हैं, दिए बनाते हैं, और उनके द्वारा जो मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं, दिए बनाए जाते हैं, वह इको फ्रेंडली होते हैं, वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, लो स्मोक होते हैं, और हर एक मोमबत्ती में, दिए में अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, एरोमा कैंडल्स होती हैं। तो यह जो प्रकल्प है, उनकी सहायता के लिए संस्थान चला रहा है। अब जब वो मोमबत्तियाँ दिए बनाते हैं, उनके द्वारा यह जो निर्मित उत्पाद हैं, तो हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जहाँ पर भी आश्रम है, वहाँ पर यह दिए मोमबत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, और जो भी इनको खरीदता है, उनसे जो धन आता है, वह इन्हीं वर्ग को दिया जाता है, जो दिव्यांग और नेत्रहीन वर्ग है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि यह जो अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी को महसूस करते हैं और यह जो सोचते हैं कि हम समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, तो उनके इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कि नहीं, आप भी समाज का एक हिस्सा हैं, उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए यह प्रयास जारी है, और उनको किसी एहसान की, किसी की दया की ज़रूरत ना पड़े। उनको भी जब वह दिए बनाते हैं, मोमबत्तियां बनाते हैं, तो उनको लगता है कि हम कुछ करके कुछ कमा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, उनको किसी दया या एहसान की ज़रूरत नहीं, और उनमें जो सोया स्वाभिमान है वह जागृत होता है। अंतर्दृष्टि, अंतर भीतर की दृष्टि, और भीतर की दृष्टि का मतलब यह है भीतर की शक्तियों के साथ जुड़कर जब बिखरी हुई ऊर्जा को वह समेटकर इस कार्य में लगते हैं, तो परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं। तो यह जो अंतर्दृष्टि प्रकल्प है, उनकी सहायता के लिए है। और चूंकि हम जालंधर में हैं, इस वक्त श्री देवी तालाब मंदिर के पवित्र प्रांगण में खड़े हैं। माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लम्बापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राजीव चड्डा से सपरिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। तो वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि माया से ऊपर उठकर प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण दिखाएं। उन्होंने कहा कि धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म का पालन करते हैं। पूरी दुनिया सत्य के कारण ही टिकी हुई है। वे उन्होंने कहा कि सत्य के बल पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सूरज तप रहे हैं, वह सत्य के बल पर वायु का संचार हो रहा है। निरंतर हवन यज्ञ, भजन, सेवा एवं सत्संग से भक्ति सुदृढ़ होती है। इस अवसर पर विक्रम भसीन, राकेश प्रभाकर, बाबा खन्ना, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चट्टा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और परवीन सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ बगलामुखी धाम
जोगी पितांबरा का प्रसिद्ध स्थान माँ बगला मुखी ताम गुलमोर सिटी जिहड़ा लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है माँ के इस भव्य मंदिर के अज श्रृंखलाबद्ध सप्ताहिक हवन यज्ञ जिहड़ा हुंदा है वो जारी रहा महामई की कृपा के नाल और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने आके हवन यज्ञ के विच आहुतियां डालियां अपने भाव प्रगट किए माँ के चरणों च माँ पितांबरा के चरणों बारंबार यही प्रणाम है और अरदास बेनती है कि सारिया के घर सुख शांति और परिवारों के हसियां खेडियां स्नेह रवे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगला मुखी धाम च सोमवार दीपावली के शुभ अवसर विशेष हवन यज्ञ होने जा रहे हैं। कोई भी अपना परसनल हवन यज्ञ करवाना चाहता है वो आके मंदिर परिसर च या साढ़े किसी सेवादार नूं मिल सकता अपना नाम लिखा सकता ता जो उदे लोड़ींदी समगरी का अरेंज किया जा सके। ये हवन यज्ञ बहुत सवेरे तड़कसार तो शुरू हो जाएंगे जिहड़े शाम 8 बजे तक जारी रहेंगे। कोई भी इस दे विच शामिल हो सकता अपना नाम लिखा सकता बिना नाम लिखाया रजिस्ट्रेशन करवाया मुश्किल होएगा हवन यज्ञ। इसलिए जल्दी तो जल्दी अपना नाम नोट करवाओ हवन यज्ञ के लिए और अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो ता जो तुहानू जिहड़ा टाइम स्लॉट अवेलेबल कराया जा सके उस दे विच तुसी आके हवन यज्ञ शामिल हो सको। मेरे वल्लों समूह संगत सेवादारां वल्लों माँ बगला मुखी धाम वल्लों समूह संगतां नूं जिथे जिथे तक साडी आवाज़ इन्हां वैब पोर्टलों के थ्रू न्यूज़ चैनलों के थ्रू और समाचार पत्रों के थ्रू पहुँचती है उन्हां लई बहुत सारिया ढेर सारिया दीपावली दीयां शुभकामनावां। महामाई एदां ही जगमगांदी रहे तुहाडे सारे भगतां की जिंदगी दे विच रोशनी देवे और घर परिवार सुख शांति देवे यही साडी कामना है। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग इस स्कीम के तहत जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, जिसके चलते अमन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्कीम को लेकर कई प्रकार की छूट सभी सामानों पर दी जा रही है। इस मौके पर शोरूम के मालिक ने बताया कि उनके यहाँ पर उपलब्ध LED बल्ब, ट्यूबलाइट्स, वाटर हीटर, एग्जॉस्ट फैन सहित अन्य इलेक्ट्रिक्स का सामान पर दैनिक सवेरा फेस्टिवल स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राहक दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई स्कीम को लेकर बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते वह कई प्रकार के इनाम स्कीम के जरिए जीत सकते हैं। सत श्री अकाल सारे नो, गुड इवनिंग। मैं अमन इलेक्ट्रिकल का ओनर फगौड़ा गेट मार्केट तो मैं थानू सारे नो एक जानकारी डिटेल देना चाहना जिहड़ा दैनिक सवेरा ने फेस्टिवल धमाका के नाम तो एक बॉक्स दे विच कूपन की स्कीम चलाई है। उन्दे विच असी भी कस्टमर्स दे कूपन डाल रहे हैं जिहड़े साडे कोल परचेज कर रहे हैं गुड्स और साडे कोल जिहड़ी वरायटी हैगी है वो इलैक्ट्रिकल की फुल रेंज हैगी है, जिंदे विच असी सीलिंग लाइट्स, स्विचिज, LED बल्बस, LED रोप लाइट, एवरीथिंग, सीलिंग फैन, जो मर्जी तुसीं साडे कोल परचेज कर सकते हो और इंदे विच तुसीं कुछ भी परचेज करोगे और असीं तुहाडा कूपन इंदे विच ड्रॉ दे विच पावांगे, जिंदे विच बहुत सारे गिफ्ट्स दैनिक सवेरा वाले कढ रहे ने, वो तुहानूं डिटेल एवरीथिंग सब कुछ कूपन दे उपर मैनशन है। जदों तुसीं साडे कोल आओगे असीं तुहानूं फुल डिटेल दे नाल तुहाडा ड्रॉ पावांगे। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, जिसके चलते लवली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्कीम को लेकर कई प्रकार की छूट सभी सामानों पर दी जा रही है। इस मौके पर शोरूम के मालिक मनविंदर पाल सिंह मानक ने बताया कि उनके यहाँ पर हैवल्स कंपनी की पूरे पंजाब की एजेंसी उनके पास है। हैवल्स की ओर से कई प्रकार की छूट अपने प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को दी जा रही है। वहीं LED बल्ब, लाइट्स, ट्यूब, फैंसी लाइट्स, झूमर, एग्जॉस्ट फैन, वाटर हीटर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, हीटर, इंडक्शन, टोस्टर मेकर, AC, वाटर प्यूरीफायर इत्यादि इलेक्ट्रिक के सामान पर दैनिक सवेरा फेस्टिवल स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राहक दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई स्कीम को लेकर बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें कूपन के जरिए वह कई प्रकार के इनाम स्कीम के जरिए जीत सकते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनविंदर पाल सिंह, हाँ मैं लवली इलेक्ट्रिकल्स तो जलंधर तो अज अपने हाँ दिवाली दे एक तो पहला सारे लख लख बधाइया हूँ दिवाली दियाँ अपने दिवाली दे हाँ चलते हुए दौरान अपलाइंसिस की इलैक्ट्रिकल दे मार्केट दे सारी चीज़ों पर हाँ अपना बहुत खूबसूरत लग रही है मार्केट।
तो अपने को हैवल्स से हाँ पूरे हाँ पंजाब की एजेंसी हैगी है हाँ सारी चीज़ा एक हाँ मन रूप के अंदर आ जाए नाल हैवल्स वालों स्कीम बहुत लगिया हुई फैंस के नाल अपने एग्जॉस्ट फैन के नाल लाइटिंग के नाल अपलाइंसेंस के नाल सारी चीज़ा के नाल हैवल्स के ना ना हाँ धन्यवाद किया जाता हाँ दैनिक सवेरा जी जिन्होंने हाँ साढ़े हर हरेक लगातार चार साल तो ड्रॉ कटते आ रहे हैं एक इन्हों वालों लकी ड्रॉ होंगे ने हाँ जे अमाउंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हाँ स्लिप पैंती है तो हरेक साल उन्होंने ड्रॉ निकलते हैं तो बहुत वधिया ड्रॉ निकले जाते हैं हरेक साल निकलते हैं दिवाली के हाँ स्पैशल मौके पर हरेक साल कटते हैं आप अपनी शॉप का नाम है लवली इलैक्ट्रीकल फगवाड़ा गेट मलाब चौंक पहली शॉप है हाँ राज ओपोजिट राजमन होटल के इतने अपने को हाँ इलैक्ट्रीकल की कोई भी समान की हाँ जो भी जरूरत होएगी सारा कुछ मिलेगा आपां नूं हाँ अपलाइंसिस के रिगार्डिंग कुछ चाहिए आपां नूं मिक्सी जे एम जी एयर फ्रायर प्रेस कोई ग्रूमिंग ट्रिमर वगैरह सारा कुछ मिलेगा फैनस वगैरह चाहिए है फैन सारी रेंज आएगी लाइटिंग की सारी रेंज आएगी। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं स्कीम को लेकर प्रेम नारायण एंड कंपनी में भी लोगों को अलग अलग कंपनियों के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पर कई प्रकार की छूट मिल रही है। इस मौके पर कंपनी के मालिक ने बताया कि दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम के चलते उनके यहां पर अलग अलग कंपनियों की LED वॉशिंग मशीन डिजिटल कैमरे AC साउंड सिस्टम के अलावा सभी प्रकार के उत्पादों पर भारी छूट दी जा रही है। वहीं कंपनी द्वारा इंस्टेंट कैशबैक इजी EMI की सुविधा भी ग्राहकों को दी जा रही है जिसके चलते ग्राहक बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खरीदारी पर एक कूपन भी ग्राहकों से ड्रॉ बॉक्स में डलवाया जा रहा है जिसके जरिए ग्राहक लक्की ड्रॉ के माध्यम से कई प्रकार के आकर्षक उपहार भी जीत सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रेम नारायण कंपनी में फेस्टिव की काफ़ी ऑफर है जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कस्टमर्स काफ़ी लाइक कर रहे हैं इन ऑफर्स को। प्लस हमारे पास सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं सोनी सैमसंग बॉश डायकन मित्सुबिशी बोस हैफले तो यहाँ पे कस्टमर आ सकते हैं और बेहतरीन ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे कि इंस्टेंट कैशबैक है इजी EMIs चल रही हैं और कुछ LEDs के साथ में अच्छे गिफ्ट्स भी चल रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और इन फेस्टिव ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं। हमारे 4 शोरूम्स हैं जी, इधर अपना GT रोड पे हैं नियर होटल किंग्स और नियर MBD मॉल। तो यहाँ पे सोनी सेंटर सैमसंग प्लाजा और बॉश गैलरी आपको तीनों एक्सक्लूसिव शोरूम्स ब्रांड्स के मिल जाएंगे जो कि ब्रांच शॉप्स हैं एक्सक्लूसिव ब्रांच शॉप्स हैं शहर में। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 की धूम मची हुई है जिसके चलते MK ट्रेडर्स में भी इस स्कीम को लेकर कई प्रकार की छूट सभी सामानों पर दी जा रही है। इस मौके पर शोरूम के मालिक ने बताया कि उनके यहां पर कई प्रकार की छूट अपने प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को दी जा रही है। वहीं LED बल्ब लाइट्स ट्यूब जूसर मिक्सर ग्राइंडर हीटर इंडक्शन टोस्टर मेकर फैंसी लाइट्स झूमर एग्जॉस्ट फैन वाटर हीटर सहित अन्य इलेक्ट्रिक सामान पर दैनिक सवेरा फेस्टिवल स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राहक दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई स्कीम को लेकर एक कूपन भी ग्राहकों को खरीदारी पर ड्रॉ बॉक्स में डलवाया जा रहा है जिसके जरिए ग्राहक लक्की ड्रा के माध्यम से कई प्रकार के आकर्षक उपहार भी जीत सकते हैं। MK ट्रेडिंग वालों इस साल दिवाली दी बहुत बहुत शुभकामनावां। इस बार कोरोना पीरियड के बाद दिवाली की धूम देखने को बाजार मिलती पी है। बड़े दिनों बाद लोगों के चेहरे खिले हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस बार दिवाली का सीजन बहुत ठोक के लग रहा है। पंजाबी कही देना असं इस बार बल्ले बल्ले हो गई। इस तरह सीजन लगता पाया कि इस बार हर एक दुकानदार के चेहरे खिले हुए हैं। मैं अपने वालों तो अपने स्टाफ वालों सारे दिवाली दी बहुत बहुत मुबारक दिना है। थैंक यू। साढ़े को इको छत के अंदर हर एक तरह की फैंसी लाइट शैंडलियर्स डबल हाइट के शैंडलियर्स वॉल लाइट स्विचिज वायरस फैनस हर एक तरह की वरायटी दैनिक सवेरा की स्कीम के अंडर असी करते पे हैं। दैनिक सवेरा ने एक स्पैशल कूपन का रख्या होया है जिद के जेदा भी कस्टमर का कूपन निकलता उन्होंने स्पैशल प्राइज दिते जाएंगे। वो अंडर असी साड़ी सेल कह सकते हो कि 4 चंद लगे साड़ी सेल में दैनिक सवेरा का असं उस करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। असं दैनिक सवेरा के जोड़े कूपन के जो कस्टमर का ड्रॉ निकलना है जोड़ा भी साढ़े दुकानदार रिलेटेड किसी कस्टमर का ड्रॉ निकलता है जोड़ा ड्रॉ उन्होंने दैनिक सवेरा देगी सेम गिफ्ट असं अपने वालों भी कस्टमर को ऑफर करा।
जालंधर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की गई। समाजवादी पार्टी पंजाब यूनिट की ओर से गत दिनों मुलायम सिंह यादव का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसके चलते जालंधर में भी पंजाब यूनिट की ओर से यादव मार्केट नकोदर रोड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के हरिद्वारी लाल यादव, जालंधर सेंटर से विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके जितेंद्र कुमार शर्मा, सतनाम सिंह ढिल्लो, अजीत सिंह, संजय यादव, रवि कुमार, विनय कुमार, राजन दुबे, शिवम, रोहित और विशाल भी मौजूद रहे। आज पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़े भी समाजवादी सोच नाल जुड़े हुए लोग ने, अज नेता जी दे जान दे गम दे विच गमगीन ने, अज उन्हां दे पार्टी हाई कमांड वल्लों जो दिशा निर्देशों के मुताबिक पूरे देश दे विच इको समय 11:30 बजे शोक सभा रखिया गई। अज ये शोक सभा जलंधर दे विच श्री हरिद्वारी लाल यादव जी की देख रेख हेठ रखी गई। माननीय मुलायम सिंह जी की मौत तो बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। पूरे देश के समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग मानयोग मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अज उन्होंने जान का विछोड़ा सारियां बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। 7 बारी विधायक रहे और 2 बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने देश के बहुत सारे गरीब और गुरबे जो दबे कुचले लोगों उन्होंने मान सम्मान दिलाया, जो जमीन दरिया से बैठते सन जमीन पर बैठते सन उन्होंने चारपाई और कुर्सियाँ पर बिठाया। अज जो भी देश का गरीब और गुरबा जितना भी लोग है वो उन्होंने देन है कि वह अज अपनी कुर्सियाँ पर बैठे हैं, मान सम्मान उन्होंने हासिल किया है। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर एसटी अस्पताल और टेस्ट ट्यूब सेंटर में भी मरीजों को उपचार से संबंधित पैकेज और दवाइयों पर भी काफी छूट दी जा रही है। इस मौके पर एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर व डॉक्टर नवनीत कपूर ने बताया कि उनके अस्पताल में बांझपन, मोटापा, एनीमिया, घुटनों के दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन सहित कई प्रकार की बीमारियों का इलाज पंचकर्मा व आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है, जिसका लोग काफी लाभ उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत वहां आने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तुहाडा अपना डॉक्टर नवनीत कपूर हकीम तिलक राज कपूर हॉस्पिटल जलंधर तो पिछले 4 पीढ़ियां तो गुरु महाराज की कृपा के नाल हर तन तेरस से साडे बुजुर्ग श्री तिलक राज जी, फिर फादर साहब श्री योगेश कपूर जी धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करते, तो उदा ही पीढ़ी दर पीढ़ी अगर काम चलता आ रहा। मैं और मेरे वड्डे ब्रदर डॉक्टर आशीष कपूर एसटी हॉस्पिटल तो आप दोवें भरा धनतेरस वाले दिन धनवंतरी पूजन करते हैं। और धनवंतरी पूजन क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञात है, आयुर्वेद जो समुद्र मंथन होया सीगा एक हाथ में धनवंतरी भगवान ने अमृत कलश फड़िया होया सी, ते एक हाथ में उन्हां कोल आयुर्वेद का ज्ञान सी। तो जो अज की डेट दे विच लोकां नूं असी इलाज कर रहे हैं आयुर्वेद राही, क्योंकि इन्नियां कैमिकल वालियां मेडिसिन्स खा खा के उन्होंने अपने शरीर की जही तही फेरी हुई है, बट आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिन्हां दा साडे बॉडी दे विच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस धनतेरस ते और दिवाली ते मैं सारयां नूं यही कहांगा, आयुर्वेद अपनाओ, कैमिकल राही जिंदगी नूं घटाओ ते अपने जीवन शैली दी अपनी उम्र नूं वधाओ। और मैं गुरु महाराज के चरणों के यही अरदास करांगा, तुसी सारे स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, एंड वंस अगेन हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। सत श्री अकाल जी सारयां नूं। दोस्तों, एसटी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ते दैनिक सवेरा दी पूरी टीम वालों मैं डॉक्टर आशीष कपूर समूह देशवासियों नूं दिवाली दे इस पावन अवसर की लख लख वधाई दिना, ते नाल ही धनतेरस की भी तुहानूं सारयां नूं शुभकामनावां दिना। दोस्तों, जिवें आपां सारे जाणदे हां कि दिवाली जिहड़ा वै खुशियां दा त्यौहार है, और दिवाली दे विच खुशियां जिहड़ियां ने ओह कदों आंदियां ने, जदों आपां एक दूसरे नाल मेल जोल रखदे हां, एक दूसरे नूं प्यार करदे हां, एक दूसरे दे नाल जिहड़े अपने गिफ्ट्स सांझे करदे हां या खुशियां सांझियां करदे हां। मगर दोस्तों, उन्हां घरां दा की जिन्हां घरां दे विच अजे तक खुशियां नहीं ने, यानी संतान रूपी खुशियां जिहड़ियां अजे तक उन्हां घरां दे विच नहीं ने, उन्हां लोकां दा की? शायद उन्हां लोकां दी सेवा करन दे लई ही सानू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਸੋ ਐਸਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ IVF ਦੇ ਰਾਹੀਂ, IUI ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ICSI ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਈਵਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਦੀਪਕ ਜਲਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਚਿਰਾਗ, ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਨ, ਦੀਪਕ ਜਲਨ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ST ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਮਹਾਜਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ST ਹੋਸਪਿਟਲ ਔਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਂਕ, ਜਲੰਧਰ। ਆਪ ਸਭਕੋ ST ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਆਈਏ ਇਸ ਦੀਪਾਵਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੀ ਇਸ ਅਮਾਵਸਿਆ ਮੇਂ ਉਮੀਦ ਕਾ ਇੱਕ ਦੀਆ ਜਲਾਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਏ ਪੂਰੀ ਹੋਂ, ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੇ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक, G20 कॉन्फ्रेंस को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जंडियाला गुरु के सर्कुलर रोड पर लुटेरों ने टूर एंड ट्रैवल कार्यालय को बनाया निशाना, 2.5 लाख की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के बस्ती बाबा खेल में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हुए दो पक्ष आपस में भिड़े, एक दुकान में जमकर की तोड़फोड़। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।